हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स फीवियो। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके लॉज हमने स्टडी किए थे कि उसके दो जो बड़े इंपॉर्टेंट लॉ थे, जिसमें एक हमने ये बताया था कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट द सेम पॉइंट, सभी के सभी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सभी आपको पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे इमेजेस की। देखिए कितने तरीके की इमेजेस होती है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इमेजेस की बात करते हैं तो कितनी तरीके की इमेजेस होती हैं। देखिए दो तरीके की इमेजेस होती हैं, एक होती है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है आपके पास, नाउ द सेकेंडरी इज, अगर हम सेकेंड की बात करें तो उसका नाम हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये दो तरीके की इमेजेस आपको जनरली मिल सकती है। अगर आप कभी भी किसी लेंस या मिरर का यूज करके इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो आपको या तो रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या है। देखिए रियल का मतलब होता है, जब मैं रियल वर्ड का यूज करता हूं तो रियल का मतलब है कि इमेज जो है, रियल का मतलब है यहां पर कि जो इमेज है वो स्क्रीन पर बनेगी, इमेज विल फॉर्म्ड ऑन द क्या करेंगे, स्क्रीन। कहां पर बनेगी, स्क्रीन पर बनेगी, ठीक है। और इसी में अगर हम थोड़ा सा इन्वर्टेड का यूज कर लें कि भाई इन्वर्टेड का क्या मतलब है, तो इन्वर्टेड का मतलब ही आपको पता है उल्टा होता है। इन्वर्टेड का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए अगर आपका ऑब्जेक्ट जो था वो ऐसे था, लेट्स से ए बी, जो कि ए जो है एरो जो है वो हेड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ए, और बी जो है उसकी टेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट्स से दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि इसकी इमेज क्या होगी, तो इमेज जो होगी वो इसकी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड में उल्टी इमेज फॉर्म करेगा, यानी ए नीचे आ जाएगा और बी जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये इसकी इमेज कहलाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब है, रियल मीन्स, रियल का मतलब है इमेज विल फॉर्म ऑन द स्क्रीन, और इन्वर्टेड का मतलब है कि उल्टी इमेज फॉर्म होगी। अगर एरो ऊपर की साइड है तो ये एरो जो है वो अब नीचे की साइड आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट की, ओके। अब देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखो वर्चुअल का मतलब ही यही होता है विच इज नॉट रियल। भाई वर्चुअल का मतलब है विच इज नॉट रियल, जो रियल नहीं है वो वर्चुअल है। तो सीधी सी बात ये है कि वर्चुअल इमेज जो है, ठीक है, वर्चुअल इमेज जो है, इमेज विल नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर इमेज नहीं बनेगी। समझ आ रही है बात? तो किसी भी तरीके से इमेज पर, या सॉरी स्क्रीन पर इमेज फॉर्म नहीं बनेगी। अब अगर स्क्रीन पर इमेज फॉर्म नहीं बन रही है तो इसका मतलब कहां बन रही है, या तो मिरर के पीछे बन रही है या मिरर के आगे बन रही है, यानी कि स्क्रीन के पीछे बन रही है या फिर स्क्रीन के आगे बन रही है, लेकिन स्क्रीन पर नहीं बन रही है, ओके। इरेक्ट का मतलब क्या है, इरेक्ट का मतलब है यहां पर जब हम इरेक्ट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, तो इरेक्ट का मतलब यह होता है
कि जैसा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वैसा ही आपकी इमेज होगी, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहां पे चेंज आने का क्या मतलब है कि अगर एरो का हेड ऊपर है तो इमेज का हेड भी ऊपर ही आएगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रियल एंड इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम रे डायग्राम बनाएंगे और हर एक रे डायग्राम में आपसे ये पूछा जाएगा कि इमेज कैसी बन रही है, वेदर इट इज रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा। एक कॉम्पिटेटिव मेरे दिमाग में आ रहा है अभी इस वक्त, बताइए, बता दें, एक कॉम्पिटेटिव बड़ा ही अच्छा, थोड़ी देर की बात होगी लेकिन आपको एनटीएससी जैसे एग्जाम में आपको बड़ी मदद मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो मिरर है, लेट से मैं कोई दो मिरर बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कॉम्पिटिटिव ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दो मिरर है, मान लीजिए ये दो मिरर है, सच दैट इसको हमने एक साइड से पॉलिश कर दिया है, इसका नाम रख दिया हमने मिरर M1। इसी तरीके से एक और मिरर है जिसका नाम हमने रख दिया लेट से M2, और इनके बीच का जो एंगल है मान लीजिए वो है थीटा, और मैं कहता हूं कि मान लीजिए इसके बीच में एक आपने क्या रख दिया है, एक आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है मान लीजिए। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि जब ये ऑब्जेक्ट इस M1 M2 मिरर के बीच में होगा तो बताइए इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी, बता सकते हैं आप इसकी कितनी इमेजेस बन सकती हैं, कि हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म। ठीक है, तो इसका एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना है, अगर फॉर्मूला याद रहेगा चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व भाई है। तो फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं, तो फॉर्मूला ये कहता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1। बस इस फॉर्मूले का यूज करना है और आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, चलिए एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि मान लीजिए दो मिरर के बीच का जो एंगल था, ठीक है, तो एंगल बिटवीन द टू मिरर, तो उसको हम मान लेते हैं कि लेट से 60 डिग्री था फॉर एग्जाम्पल। तो क्या करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस के लिए, भाई नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या था, 360 डिवाइडेड बाय थीटा -1। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60 -1, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, सिक्स ये कैंसिल हो गया, 6 -1 दैट इज एन इज इक्वल्स टू 5, यानी कि कितनी इमेजेस बनेंगी, 5 इमेजेस विल फॉर्म। अच्छा, ऐसा आपने देखा भी होगा, बार्बर शॉप गए हैं सभी लोग गए हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसा केस आपने देखा होगा कि सामने वाला जो मिरर होता है वो तो बिल्कुल फ्लैट होता है लेकिन जो बैक मिरर होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो अगर आप देखेंगे कि सामने वाला मिरर, अगर हम थोड़ा सा इसको करके देखें कि भाई सामने वाला मिरर जो है वो इस तरीके से है और जो पीछे वाला मिरर है वो थोड़ा सा इस तरीके से एंगल टिल्टेड है, तो दे आर मेकिंग एन एंगल, दे आर मेकिंग एन एंगल, कुछ इस तरीके का एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, और उसी एंगल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये दो मिरर जो है वो M1 M2 थीटा एंगल बना रहे हैं और आप उसके बीच में बैठे हुए हैं, तो
तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे पीछे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं जो बाल कटवाने के लिए खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वही सारे केसेस हैं कि भाई कितनी इमेजेस बन रही है, तो वो सब हम इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। एक एग्जांपल से भी मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, ठीक है। चलो बच्चों बताओ फटाफट से, ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी इमेजेस की, ठीक है, कि इमेजेस कितने टाइप की होती हैं और उनके मतलब क्या थे। आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स। देखिए अगला जो टॉपिक आता है हमारा उसका नाम है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह तो एग्जाम में नहीं आने वाली है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बस आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स आप कब बोलेंगे? देखिए स्फेरिकल मिरर्स हम तब कहते हैं कि मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर, आप ऐसा अज्यूम करिए कि एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। यहाँ डायग्राम बना देता हूँ मैं कि मान लीजिए ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, तो लेट्स से दिस इज योर हॉलो स्फीयर, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज योर हॉलो स्फीयर। अब इस हॉलो स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, ठीक है। अब हॉलो का मतलब क्या है कि अंदर से खाली है। तो अगर मैं इसके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूं सच दैट कि इसके आउटर सरफेस पर मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि आउटर सरफेस को पॉलिश करने वाला हूं, ठीक है। और इसके आधे पोर्शन को अंदर वाले सरफेस को मैं पॉलिश करने वाला हूं, यानी एक स्फेरिकल मिरर है जो कि अंदर से हॉलो है, उसका आउटर सरफेस को पॉलिश किया है आधा, और आधा मैंने इनर सरफेस को पॉलिश किया है, ठीक है। तो यहां से आपको दो तरीके के मिरर मिलेंगे, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव मिरर, ठीक है। जबकि इसको हम बोलते हैं कॉनवेक्स मिरर। वैसे तो बहुत सारे टाइप के मिरर होते हैं, बट जनरली अभी 10th क्लास में, आप छोटी क्लास में हैं तो अभी आपके सिलेबस में सिर्फ दो तरीके के मिरर है, कॉनकेव मिरर एंड कॉनवेक्स मिरर। तो मैं अब अगर आपको इसके दो डायग्राम बना के दिखाऊं कि कॉनकेव और कॉनवेक्स के थोड़े अलग अलग डायग्राम बनाऊं, तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा कुछ इस तरीके का, दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हो गया मेरे पास कॉनकेव मिरर, दिस इज पॉलिश सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है और बाहर वाला जो है वो पॉलिश सरफेस है। और इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, इसी तरीके से यहां पर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज कॉनवेक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास कॉनकेव मिरर एंड दिस इज योर कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। तो ये दो तरीके के आपके मिरर हो गए। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो आप सिंपली इसकी डेफिनेशन के तौर पर आप कह सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हुज इनर और आउटर सरफेस हैज बीन पॉलिश्ड और सिल्वर्ड इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। डेफिनेशंस वगैरह एग्जाम में नहीं आने वाली हैं, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये तो आना बड़ा मुश्किल है। और टाइप्स में अगर आपकी बात करें, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है। तो एक बार इसको पूरा एनालाइज कर लीजिए, कोई डाउट है ठीक है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेली क्लास ऐसे ही चलती रहेंगी। ओके चलिए देखिए इसमें फटाफट से। ओके सो फाइनली आज के क्लास में हमने बेसिक्स थोड़े से और बढ़ा दिए। अब कल से जो हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कल से हम लोग अब क्या करेंगे कि यहां पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रे डायग्राम शुरू करेंगे। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रे डायग्राम शुरू करने से पहले हम उसमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि व्हाट इज पोल, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज अ फोकस, ठीक है, व्हाट इज अ पोल। ये सारी चीजें जो है वो हम यहां पर थोड़ा सा नहीं है ना, एक बार एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस जो है वो एग्जाम में आ जाती है। ओके तो कल हम इसको पढ़ेंगे, प्लस इसके साथ साथ कुछ रूल्स करेंगे कि एक रे डायग्राम को बनाने के लिए एक सेट्स ऑफ रूल्स हैं। अगर आपको वो रूल अच्छी तरीके से पता है, मैं सच बता रहा हूँ, एक भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मगर तो आपको करना ही नहीं है। अगर फिजिक्स को आपको रटना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका टीचर सही नहीं है, तो इसलिए आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है आपको, बस इसको बहुत केयरफुली समझना है। नहीं आता है तो 10 बार पूछना है, फिर नहीं आता है तो 10,000 बार पूछना है, ठीक है। इस एबिलिटी के साथ पढ़िए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, कोई कमी नहीं है। पूरे 2 महीने हैं, 60 दिन है, बहुत होते हैं 10th क्लास के लिए। ज़मीन से आसमान तक का रास्ता यूं ही छू लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से करिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। ओके चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।